200 से ज्यादा कॉमेडी वीडियोस की स्क्रिप्ट और 500 से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस की स्क्रिप्ट मैं लिख चुका हूँ, और कुछ एक तो ऐसे भी हैं उनमें जो 5-5 मिलियन व्यूज ला चुकी है। तो आज स्क्रिप्टिंग के वो सारे सीक्रेट, इसका सीक्रेट मिल गया है, सीक्रेट पिता मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में। देखो, सबसे पहली बात, जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस है ना स्क्रिप्टिंग के ऊपर, स्पेशली ये यूट्यूब गुरुज की, चाहे वो एल्ग्रो है, अक्षय वर्मा, AKS दूसरा या फिर MSB पिक्चर, इन सब की स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो एकदम बकवास है। इतना सा भी काम नहीं आएगी आपको वो वाली वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ चीजें बता रहे हो उस वीडियो में, उनके जैसी वीडियो कैसी बनाई जा सकती है। अब हर कोई यूट्यूब गुरु नहीं बनना चाहता, ना तो इन्होंने जिंदगी में कोई शॉर्ट फिल्म लिखी होगी, ना कोई बनाई होगी, ना ही कोई स्केच वीडियो या फिर कोई कॉमेडी वीडियो, तो ये क्या ही बताएंगे उसके बारे में। लेकिन हम बैठे हैं ना, मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है स्क्रिप्ट लिखने से पहले कि आपको स्क्रिप्ट बनानी क्यों है। दो रीजंस होते हैं। पहला ये कि आपको कुछ क्रिएटिव माइंड से कुछ यूनिक चीज बनानी है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगे, ये तो टट्टी है। और दूसरा ये कि हमें एक ऐसी वीडियो बनानी है जो यार वायरल हो सके। तो आज हम दूसरे वाले तरीके की ही बात करेंगे, ताकि आपकी वीडियो ज्यादा वायरल हो सके, क्योंकि सबको व्यूज चाहिए, तभी तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में भी मजा आएगा ना। तो करना, तो अब जब स्क्रिप्ट ऐसी लिखनी है जो वायरल हो, तो हमें टॉपिक भी ऐसा ही लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी वायरल हो चुका हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए AI इस टाइम सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक है वीडियोस बनाने का, और अभी तक एक भी कॉमेडी वीडियो AI के ऊपर नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है लोगों के लिए इसके ऊपर वीडियो बनाने की। ऐसा मौका हर महीने में एक या दो बार आ जाता है। ये AI पिछले 3-4 महीने से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इसके ऊपर कॉमेडी वीडियोस बनाओगे तो मालामाल हो सकती है वो वीडियो। अब दूसरी चीज है आपका कॉन्सेप्ट। अब हम कोशिश करेंगे कि 3-4 मिनट की एक वीडियो हम बना सके AI के ऊपर। अब कुछ भी माइंड में आपको एक कॉन्सेप्ट रेडी करना पड़ेगा अपनी स्टोरी का। अब जैसे एग्जांपल दे तो, एक आदमी है जो जॉब करता है, उसको कुछ आता नहीं है, उसका बॉस दिन रात उसको गालियां देता रहता है। अब वो AI की मदद से इतनी बढ़िया चीजें कर देता है कंपनी में कि उसका प्रमोशन हो जाता है और वो अपने बॉस का बॉस बन जाता है। पिछली बार क्या बोला था? अब वो अपने बॉस को गाली देने में तो खुश है, लेकिन यहाँ पर उसका काम चेंज हो जाता है और वहां पर AI कुछ कर नहीं पाता, तो वापस से उसको गालियां पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ भी आप मजेदार सा कॉन्सेप्ट बना सकते हो। मतलब ये मैंने सोच के नहीं बोला, ये सिर्फ दिमाग में अभी आया तो मैंने आपको बता दिया, और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर बहुत बढ़िया चीज बन सकती है। तीसरी चीज है कि आपके जोक बेकार हो सकते हैं। अब सबसे ज्यादा गलती करते हुए मैंने लोगों को यही देखा कि यार जो जोक आया दिमाग में उठा के बस लिख दिया और वही फाइनल हो गया। अब वो जोक आपके हजारों लोगों ने पहले से सुना होगा, तो आपका यूनिकनेस उस जोक के अंदर नहीं होता। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं तो वो चीज आपको फाइंड करनी है आपको। अभी एग्जांपल दूं तो जैसे दो चीजें बहुत चल रही है, ये बूढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है, इसको सिखाओ बड़ों को सलाम करे करे, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, और दूसरा एक वो अंकल से चल रहे हैं जो काफी ज्यादा शायरी करते हैं सीरियस वाली, और लास्ट में वो गाने वाला मिक्स कर देते हैं। गिरे हुए लोगों को कौन देता है सहारा, तू 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 तारा, तू 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 तुतारा। तो ये जो चीजें हैं आपकी यूनिकनेस आपको ढूंढनी पड़ेगी, इसी के ऊपर आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब चौथा है कि जब स्क्रिप्ट लिखने आप बैठो तो उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यार अभी 2-4 मिनट की चीज लिख ली फिर बाद में कुछ लिखेंगे, यार कभी दिमाग में कुछ आ रहा तो लिख रहे हैं। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। आपको प्रॉपर 1-2 घंटे बैठकर उसको लिखना चाहिए, और एक टाइम पे सिर्फ एक पेज के ऊपर काम करो। ऐसा नहीं कि पूरी स्टोरी लिखा जा रहा है, आपको कोशिश करनी चाहिए सिर्फ एक पेज आप भर रहे हो रोज का। और जब आप बार बार एक पेज को लिखोगे तो आपकी वो जो स्क्रिप्ट है एक पेज की, वो छोटी होती जाएगी। कल मेरे को इतना छोटा दिया, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि यार ये डायलॉग जो है हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको डिलीट करो, ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज बेकार लग रही है। जब स्क्रिप्ट छोटी होती जाएगी तो आपकी स्क्रिप्ट एकदम फनी और टाइट होती जाएगी, और वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और पांचवी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपके लिए कि रीड बुक्स। जितनी ज्यादा बुक्स और न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि लिखना कैसे है, एक स्टोरी को कैसे बताया जाता है। अखबार के अंदर वो छोटे से कॉलम में कैसे वो पूरी कहानी को बयां कर देते हैं, और चाहे वो किसी की भी हो। अब वो छोटे से कॉलम के अंदर जैसे उन्होंने वो स्टोरी लिखी है, आपको समझ आएगा कि कम से कम लाइनों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कहानी को कैसे बयां कर सकते हैं। उसी छोटे से स्पेस के अंदर आप एकदम टाइट स्क्रिप्ट लिख पाओगे जो बहुत तगड़ी होगी। स्क्रिप्ट के अंदर जोक को कैसे बनाना पड़ता है, ये चीज के लिए ना मैंने एक 15 मिनट की स्टेप बाय स्टेप वाली वीडियो बता रखी है, जिसमें मैं खुद
बैठ के जोक लिख रहा हूँ और आपको अपना थॉट प्रोसेस समझा रहा हूँ, और वो वीडियो आपके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना सीखना है तो।